हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कीप इट सिंपल बट सिग्निफिकेंट। आई एम योर होस्ट शशि। लेट स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। हाल ही में किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम को स्पॉन्सर करने की घोषणा की है? हु हैज अनाउंस द स्पॉन्सरशिप ऑफ द इंडियन टीम फॉर पेरिस ओलंपिक 2024? तो ये अनाउंसमेंट की है अडानी ग्रुप ने। आंसर इज ए। 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा के लिए कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट वन टू अडॉप्ट एन एक्शन प्लान फॉर रोड सेफ्टी फॉर 10 ईयर्स? तो ये रोड सेफ्टी के लिए 10 वर्ष का कार्य योजना अपनाया है राजस्थान ने। आंसर इज डी। हाल ही में एक्जियम 4 मिशन के तहत इसरो के 2 गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने की घोषणा किसने की है? Who has announced to train 2 गगनयान astronauts of ISRO under Axiom 4 mission? तो Axiom 4 mission के तहत NASA ने ये घोषणा की है। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार जेनरेटिव AI पेटेंट दायर करने वाला दुनिया का शीर्ष देश कौन सा है? According to the World Intellectual Property Organization, which is top country in the world to file generative AI patent? तो जनरेटिव AI पेटेंट को डालने वाला सबसे ज़्यादा मतलब टॉप पे जो है वो है चाइना। हाल ही में किसने AI द्वारा संचालित स्वास्थ्य बीमा उत्पादक एलिवेट लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च्ड AI पावर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट एलिवेट? तो इसको लॉन्च किया गया है ICICI लैम्बोर् ड के द्वारा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? When is World Population Day celebrated? तो World Population Day सेलिब्रेट किया जाता है प्रतिवर्ष 11 जुलाई को। हाल ही में किसने ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया है? Who organized the growth with the trees tree plantation campaign? ग्रो विद द ट्रीज वृक्षारोपण का अभियान चलाया गया है BSF के द्वारा। हाल ही में यूनेस्को ने मानव और जीव मंडल कार्यक्रम की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद का ये 36वां सत्र कहाँ आयोजित किया है? व्हेन डिड यूनेस्को होल्ड द 36th सेशन ऑफ द इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ द मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम? तो ये किया गया है मोरक्को में। आंसर इज सी। पंचगंगा रिवर रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? तो पंचगंगा रिवर जो है वो ट्रिब्यूटरी है किस रिवर की? तो ये रिवर है आपकी कौन सी? गंगा। सॉरी, ये रिवर है आपकी कृष्णा। ये कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है और न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज इसने 39 फीट की जो वार्निंग होती है उसको पार कर लिया है। दैट इज़ मतलब पंचगंगा रिवर इज़ कोल्हापुर is rising and may soon cross the 39 feet warning level. Sentinel nuclear mission recently seen in news was developed by which country? Sentinel nuclear mission को develop किया गया है USA के द्वारा। Answer is A. Who has been chosen as India's safety मिशन फॉर द 2024 ओलंपिक्स? तो कौन चूज किया गया है इसके लिए? गगन नारंग। आंसर इज ए। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू ऑफ अपोस्टल अवार्ड रिसेंटली सीन इन न्यूज इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड ऑफ विच कंट्री? तो ये अवार्ड जो दिया जाता है ये किस कंट्री में? रशिया में दिया जाता है और अभी अभी ये अवार्ड दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो कि रशिया की यात्रा पे हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल एडवाइजर फॉर द नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम? तो इनका नाम है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। आंसर इज सी। रिसेंटली इंडिया एंड रशिया एग्रीड टू इंक्रीज बायलेटरल ट्रेड टू $100 बिलियन बाई विच ईयर? तो इंडिया और रशिया एग्रीड किए हैं इंक्रीज करने के लिए बायलेटरल ट्रेड $200 बिलियन, ये किया गया है 2030 तक के लिए। हाल ही में RBI ने उत्कर्ष एस
एफबी के एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द आरबीआई एज एमडी सीईओ ऑफ उत्कर्ष एसएफबी? तो इनका नाम है गोविंद सिंह। हाल ही में पोलारिस डाउन मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? हु हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ पोलारिस डाउन मिशन? तो इसको लॉन्च किया जा रहा है स्पेस एक्स के द्वारा। आंसर इज ए। हाल ही में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया गया? When was National Fish Farmers Day celebrated? तो मत्स्य किसान दिवस मनाया गया 10 जुलाई को। आंसर इज ए। हाल ही में किस देश में माउंट एटना और स्ट्रॉम्बोली ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इन विच कंट्री माउंट एटना एंड स्ट्रॉम्बोली वोल्केनोस इरप्टेड? तो ये इरप्शन हुआ है कहाँ पे? इटली में। आंसर इज ए। हाल ही में टाटा पावर ने घर घर सोलर योजना कहाँ शुरू हुई? वेयर हैज टाटा पावर स्टार्टेड द घर घर सोलर स्कीम? तो घर घर सोलर स्कीम को टाटा पावर ने स्टार्ट किया है उत्तर प्रदेश में। आंसर इज डी। और इसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों की तरफ से 1,08,000 तक की सब्सिडी मिलेगी अगर आप सोलर पावर का यूज कर रहे हैं तो। 16वें वित्त आयोग ने 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया है, इसके अध्यक्ष कौन हैं? द 16th फाइनेंस कमीशन हैज कॉन्स्टिट्यूटेड ए 5 मेंबर एडवाइजरी काउंसिल, हु इज इट्स चेयरमैन? तो चेयरमैन का नाम है पूनम गुप्ता। आंसर इज ए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।